शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज से चंद रोज़ कबल ये फैसला हुआ था स्पीकर साहब की सरबराही में जो मीटिंग हुई थी कि बाज़ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर डिबेट कराई जाए। एग्रीकल्चर जो है उस पर मेरा ख्याल है डिबेट उसका इख्तिताम हो चुका है, कंक्लूड हो चुकी है। प्राइवेटाइजेशन जो है इसका आगाज जो है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जो 1991-1993 में रही, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है वो उसके बड़ी अचीवमेंट में उनका शुमार होता है। बैंक प्राइवेटाइज हुए और जो घी मिल्स और दूसरी बहुत सी चीज़ें जो नेशनलाइज हुई थी 70 की दहाई में उनको प्राइवेटाइज किया गया। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के लिए जो रास्ता अपनाया गया उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर था वो ये था कि लोग जिनकी नौकरियां जो है चली जाएंगी उनको मुतबादल जो है ज़राए आमदनी जो है मुहैया किया जाए। और उसका एक तरीका ये रखा गया कि गोल्डन हैंड शेक दिया जाए, इतने पैसे जो हैं बेरोज़गार होने वाले मुलाज़मीन को दिए जाएं कि वो मुतबादल रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें, बल्कि जो नौकरी से वो कमा रहे थे उससे ज़्यादा पैसे उनको इनकम के ज़रिए, नई इनकम के ज़रिए मुहैया हों, जिसकी वजह में से कोई लेबर अनरेस्ट जो है 1991 से लेके 1993 तक जो है आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। बेशक कोई उन ढाई सालों का, पौने तीन सालों का अगर कोई रिकॉर्ड उठा के देख ले, लोगों ने सेवरेंस पैकेजेस लिए, लोगों ने गोल्डन हैंडशेक लिए, बल्कि लोगों ने बड़ी कीननेस के साथ जो है गोल्डन हैंडशेक जो है ना वो लिए और अच्छी खासी रकूम जो है बेरोज़गार होने वाले मुलाज़मीन जो है वो घर लेके गए और उन्होंने मुतबादल रोज़गारों का रोज़गार का एहतमाम किया। ये पॉलिसी उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उन्होंने भी कैरी ऑन की और एक बड़ी प्राइवेटाइजेशन जो है उसका आगाज किया, जिसे PTCL की, पाकिस्तान टेलीकॉम की जो है वो प्राइवेटाइजेशन उस जमाने में हुई और उसके रिकॉर्ड जो है वो डिविडेंड्स आए 11-12% के करीब प्राइवेटाइजेशन हुई, जो बाद में जनरल मुशर्रफ के दौर में प्राइवेटाइजेशन के जरिए उसको मुकम्मल किया गया। तो ये एक ऐसा एजेंडा था जिसको सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने परसू किया और उसकी मेन वजह थी कि ये अदारे जो है हुकूमत की कंट्रोल में रहने के बावजूद रहने की वजह से मुसलसल खसारे में जा रहे थे, हुकूमत के इन्फ्लुएंस की वजह से। बैंक अपने आजादाना फैसले नहीं कर सकते थे, बैंकों में एक ह्यूज पाइलअप जो है वो बैड लोन्स का इकट्ठा हो गया। इसी तरह तमाम दूसरे अदारे जो थे वो कारोबारी मनफियत के बिना के ऊपर या उस बुनियादों के ऊपर उनको ना चलाया गया, बल्कि वहां पे ब्यूरोक्रेसी के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें NDFC था, उसमें बैंक्स थे, ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, ये सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता ये तबाह बर्बाद होती चली गई। स्टील मिल भी उनमें सरे फहरिस्त थी, जो आजकल जिसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, PAA भी उसका हिस्सा था, बिजली की जो तकसीम कार जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी उनका हिस्सा थी, जनरेशन जो है गवर्नमेंट के पास ही वो भी उसका हिस्सा है,
जनाब वाला बेसिक प्रिंसिपल है कि हुकूमत जो है वो उसका काम गवर्नेंस है। पाकिस्तान की आवाम को या किसी भी मुल्क की आवाम को हुकूमत की जो बुनियादी जो 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 फर्ज होता है वो गवर्नेंस होता है कि वो मुल्क में एक अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड कर सके। कारोबारी अदारे चलाना जो है वो हुकूमत का काम नहीं होता। रिपीटेडली सारी दुनिया में 60 और 70 की दहाई में कौमियाए गए अदारे जो हैं बेतहाशा कौमियाए गए, लेकिन 15-20 साल में जब देखा गया कि ये अदारे सारे के सारे जो हैं वो नुकसान में चले गए हैं। जनाब वाला यहां तक हुआ कि 91-92 में जो अदारे प्राइवेटाइज किए गए और वो हुकूमती एक एक्सटेंशन ने जो है वो अदारे खरीद लिए गए, एक सीमेंट प्लांट की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो दोबारा हुकूमत के पास आए कि हमें इस अदारे को चलाने के लिए 5 अरब रुपया दिया जाए। ये इतना बड़ा ड्रेन है ओवर लास्ट 40 ईयर्स ऑन नेशनल एक्सचेकर के आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर कोई कमीशन बताया जाए कि अंदाजा लगाया जाए कि ये मनफेत बख्श जो अदारे थे उनका क्या हाल हुआ। ब्रॉडली तमाम सियासी पार्टियों की जो है वो कमिटमेंट मौजूद है प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के साथ। उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, जो वहां पे मुलाजमीन है उनके रोजगार का क्या होना चाहिए, किन को ये बेची जा सकती हैं, इसका फैसला क्या, ये सारे के सारे जो है प्राइवेटाइजेशन के लॉ को अगर इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो है उसको इंश्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर इस इंटेंट के साथ आप अदारे प्राइवेटाइज करेंगे कि आपने वो अदारे किसी को डोल आउट करने हैं, किसी अपने क्रोनी को या किसी अपने हमायती को या किसी एटीएम को, तो ये सारे का सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। हम मसूली तौर पे पीपल्स पार्टी का भी जो टेन्योर था 93 से लेके 97 तक और उसके बाद दूसरा टेन्योर भी प्राइवेटाइजेशन की इन प्रिंसिपल किसी ने मुखालफत नहीं की। उसके तरीकाकार पे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन उस प्रिंसिपल पे कोई इख्तलाफ नहीं। अगर ये हुकूमत इस पॉलिसी को परसू करना चाहती है, जनाब वाला बहुत बड़ा एक मिसाल जो है वो स्टील मिल की है कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसकी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। फैसला इस बुनियाद पे था कि वहां पे करप्शन की जो है वो बाजगश जो है सुनाई दे रही थी कि सारी डील जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं। मुझे नहीं पता कि कितने की करप्शन जो है अंदाजा लगाया गया या उसको प्रिवेंट करने के लिए वो फैसला आया, लेकिन वो 2-3-4 अरब रुपए से किसी सूरत ज्यादा नहीं हो सकती थी। मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना याद है कि फॉरेन को कंपनी थी जो उसको खरीद रही थी जिसमें सऊदीया की भी एक कंपनी थी। लेकिन आपने देखा कि 2-3 अरब रुपए की करप्शन को बचाने के लिए सैकड़ों अरब जो है सालाना जो है स्टील मिल को अफ्लोट रखने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए गए। एक वक्त था कि एक स्टील मिल की प्रेमिसेस के ऊपर 55 यूनियनें थी, उनका मेडिकल बिल जो था वो बलूचिस्तान के सेहत के बजट से ज्यादा था। मैं 1992 की बात कर रहा हूं। मेरा बिल्कुल मेरी हमदर्दियां जो है मुलाजमीन के साथ हैं, मेरी हमदर्दियां जो हैं वो बेरोजगार लोग कथित तौर पर बेरोजगार नहीं लोगों को होना चाहिए, उसका अलहदा बंदोबस्त किया जा सकता है, वो सारे प्राइवेटाइजेशन के पैकेज में बिल्ट इन किया जा सकता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन कॉन्टिन्यूस हेमरेज जो है नेशनल एक्सचेकर की वो अलाउ नहीं की जा सकती। तमाम लोगों से गुजारिश है कि गौर से सुने, आपस में बातचीत ना करें। जनाब वाला
हमारा कंसर्न जो है, जो आज जो डिबेट जिसका आगाज हो रहा है, उसमें हमारा कंसर्न सिर्फ ये है, एक इज्तमाही जो खदशा जो है ये है कि जिस तरह पिछले महीने डेढ़ महीने में जिस तरह पीआईए को तबाह किया गया है, हकूमती अदारे, पीआईए इटसेल्फ, वजरा, मुख्तलिफ वजरा, किसी का एक बयान भी एक दूसरे से नहीं मिलता। सिविल एविएशन कुछ कह रही है, वजीर साहब कुछ कह रहे हैं, पीआईए कुछ और कह रही है, और इसी सारे चक्कर में पीआईए जो है, जो जो भी उसके खंडरात बाकी थे वो भी तबाह बर्बाद हो गए। डिलिबरेटली एक नेशनल कैरियर को जो है तबाह कर दिया गया है एक बयान की वजह से। आप अगर उसको कल प्राइवेटाइज करने जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास रूट्स हैं, आपके पास गेट्स हैं। मसलन आपको दोपहर के वक्त आपकी फ्लाइट लैंड करती है हीथरो के ऊपर, उसकी बहुत बड़ी कीमत है, 20-25 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है आपको उसके गेट का मिले, टाइम का पैसा मिले। लेकिन ये ना आकबत अंदेश लोगों ने जो बयान दिए उन्होंने ये इम्पॉसिबल बना दिया है। एयरपोर्ट्स की जो प्राइवेटाइजेशन या आउटसोर्सिंग का नारा लगाया गया, किस वक्त लगाया गया, जब सारी दुनिया में एयरपोर्ट जो है वीरान पड़े हुए हैं। रूजवेल्ट की प्राइवेटाइजेशन या लीज आउट करने का प्रोग्राम बनाया गया किस वक्त, जब 73 पिछले 3 माह के अंदर 73 होटल जो है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में बंद हो गए। क्या 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 वैल्यू उन प्रॉपर्टीज की रह गई होगी जो आप बेचने जा रहे हैं। इसलिए हम हक बजानब हैं ये शक करने पे कि देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस, दाल में कुछ काला है, किसी को ओबलाइज किया जा रहा है। जनाबे वाला 1997-98 में 320 अरब डॉलर रूजवेल्ट होटल के ऑफर किए गए, उसके बाद शौकत अजीज की हकूमत में 280 पे इसको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन हमने इसी असेंबली में ये प्रिवेंट किया कि इसको कौड़ियों के भाव जो है वो ना बेचा जाए, ये एक नेशनल एसेट है। अब पीआईए को तबाह बर्बाद करके अपने बयानात की वजह से सारे पाकिस्तान, सारी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। पीआईए जो दूसरी एयरपोर्ट एयरलाइंस बनाती थी, दुनिया के कई एयरलाइनों की बुनियाद जो है पीआईए ने रखी, आज वो पीआईए जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। क्योंकि यहां कंट्रोवर्सी नहीं खत्म हो रही कि 262 एयर पायलट जो है वो उनके लाइसेंसेस गलत थे या 50 के गलत थे या 40 के गलत थे। मिनिस्टर साहब जो है वो कहते हैं कि जाली जो है वो उनकी वो इम्तिहान थे या जाली लाइसेंस थे या जाली डिग्रियां थी। सर जाली डिग्रियां तो बहुत से लोगों की हैं, मिनिस्टर साहब को सोच लें। चलो रहन दो, सारे समझ रहे ने। तो ये जनाबे डिप्टी स्पीकर, ये इंटेंट की बात है। आप इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को सही इंटेंट के साथ, सही नीयत के साथ अगर आप इसको परसू करेंगे तो ये मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा। आप रोजगार का मुतबादल इंतजाम करेंगे, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब आप कौड़ियों के भाव डिलिबरेटली इनको तबाह करके एक ऐसी मार्केट में इनको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे जो मार्केट इस वक्त रॉक बॉटम पे पहुंची हुई है। दुनिया में कोई सोच नहीं सकता कि आप अपना घर उस वक्त बेचने जाएं जब जो है वो मार्केट में जो है घर के खरीदारी कोई ना हो और खरीदार आप खुद खड़ा कर लें। लोगों को नाम भी पता है ऑलरेडी, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पे नाम भी लोगों के मौजूद हैं जो इन तमाम प्रॉपर्टीज को खरीदना चाह रहे हैं या लाइन में लगे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत जो है अपने क्रोनीज को, अपनी एटीएम्स को जो है ओबलाइज कर रही है। हमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई इस असूली इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम ये लूट मार नहीं होने देंगे। हमें हम इस हाउस में भी इसको चैलेंज करेंगे,
और हम जो है अगर अदालतों में जाना पड़ा तो हम अदालतों में भी इस प्रोसेस को चैलेंज करेंगे। ये नए कौमी असासे हैं, अगर आपने हैंड ओवर करने हैं तो उनको अच्छे दामों पे हैंड ओवर करें, उन हाथों में दें जो इनको बेहतर चला सके और नए मौके रोजगार के मुहैया करें। जब बैंक प्राइवेटाइज होने जनाबे वाला जनाबे डेप्टी स्पीकर, जब बैंक प्राइवेटाइज हुए, अभी बैंक और सारे ये बैंक 73,000 मुलाजमीन जो है वो घर भेजे गए, एक मुलाजम किसी सड़क पे नहीं आया और 275 नई मुलाजमतें जो है ना वो जनरेट हुई प्राइवेटाइजेशन की वजह से, 2,75,000 जो है नई मुलाजमतें। इसी तरह जब पीटीसीएल प्राइवेटाइज हुई, $10 बिलियन की पीटीसीएल बिकी, पीटीसीएल की सर्विस बेहतर हो गई। इसी एवान में हमें महीने का 7 कनेक्शन का कोटा मिलता था फोन्स का, और वो कोटा जो है बहुत बड़ी एक फैसिलिटी थी जो एमएनएस को दी जाती थी, क्योंकि 4-4, 5-5 साल की वेटिंग लिस्ट थी टेलीफोन लगाने के लिए। आज आप टेलीफोन जो है पिछले 8-10 साल से 15 साल से आप एप्लीकेशन देते हैं, दूसरे दिन आपका फोन लग जाता है। पीटीसीएल जो है अपना मोबाइल लाइसेंस, मैं प्राइवेटाइजेशन का चेयरमैन था जब पीटीसीएल को मोबाइल का लाइसेंस दिलाया गया, यू फोन का। मुलाजमतें बढ़ी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी, फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ी, अच्छी बात है। लेकिन आप इस तरह करेंगे जिस तरह ये गवर्नमेंट परसू कर रही है, हर इनिशिएटिव पे जो इस हुकूमत ने, जब ये अपोजिशन में थे, जो इन्होंने इनिशिएटिव जिनके ऊपर प्रॉमिस किया था, हर इनिशिएटिव को रिवर्स किया। आज कानों को हाथ लगाते होंगे कि हमारी पुरानी को वीडियोस ना देखे, हमारी पुरानी को ट्वीट्स ना देख ले, और कोई नए इनिशिएटिव लिए तो वो इस तरह के लिए कि उनके पीछे कोई ना कोई इनका अपना चेहरा नजर आता है खरीदार के तौर के ऊपर। जनाबे वाला, ये कौमी दौलत है, इसको अपनी जाती दौलत जो है वो समझ के लुटाया ना जाए। ये किसी एक शख्स की मीरास नहीं है, ये कौम की मीरास है। ये जायदादें जो हैं पाकिस्तान की अवाम की जायदादें हैं, द गवर्नमेंट जो है वो इनको होल्ड कर रही है, ट्रस्ट में होल्ड कर रही है। अगर ये एजेंडा परसू होना है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने कैबिनेट कमेटी बना दी ये होटल को प्राइवेटाइज करने के लिए और एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए, जब कानून में इस चीज की कोई इजाजत ही नहीं देता, और उसमें वो लोग बना लिए जो यहां पे पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर लूटमार करने आए हुए हैं, जिनको इन 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 इस जमीन के साथ जिनका रिश्ता जो है वो अनक्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड है, मशरूत है उनका इस जमीन के साथ रिश्ता, इस वतन के साथ जो है वो वफादारी मशरूत है। और नॉन इलेक्टेड लोगों को उस कमेटी में डाला गया। जनाबे वाला, काबीना कभी नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में नहीं बैठ सकते। जनाबे डेप्टी स्पीकर, मैं सारे हाउस को यह एड्रेस करके बताता हूं, काबीना जो है इस हाउस का प्रोडक्ट है, आइन जो है वो दर्ज है आइन में कि कितने इस हाउस में परसेंटेज होगी और कितने अक्रॉस द कॉरिडोर जो है हाउस जो है हमारा सेनेट एवाने बाला जो है उसकी क्या परसेंटेज है, डिफाइंड है। जब इन दो एवानों के मेंबरान जो है वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है। काबीना जो है वो प्रोडक्ट है पार्लियामेंट का, ऑफ शूट है पार्लियामेंट का, इंटेग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। अगर यहां पे ड्यूल नेशनल नहीं बैठ सकता तो काबीना में किस तरह ड्यूल नेशनल बैठ सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो चहेते हैं किसी के, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की एटीएम है? ये नहीं होगा जनाबे डेप्टी स्पीकर, ये नहीं होगा। हम हर मुहाज पे रिजिस्ट करेंगे इन मूव्स को। आपने क्या दिया पिछले 2 साल में? आपने भूख दी, महंगाई दी। अभी 15 मिनट आधा घंटा पहले दवाइयों की कीमतों की बात हो रही थी,
जनाबे वाला कोविड है, 2,64,000 जो है शिकार हो चुके हैं इस बीमारी का, लोगों इन्फेक्ट हुए हैं लोग, एक पेंडेमिक है, उस दौरान भी, इस आफत के दौरान भी मुनाफाखोरी की जा रही है। कोई कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। आज से 1.5 महीना पहले गंदम की फसल आई है, अप्रैल के आखिर में गंदम की फसल आई है मार्केट के अंदर या मई के शुरू में, लेकिन आटा जो है वो बदस्तूर महंगा होता जा रहा है। फसल आती है तो ड्रॉप होते हैं जो रेट्स हैं, हमारे यहां पे फसल आती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि रेट ऊपर चले जाते हैं। पिछले 4-5-6 महीने से, बल्कि इससे भी ज्यादा, सारी कौम जो है वो गंदम की क्राइसिस को रोक रही है, एक फसल से लेकर दूसरी फसल आ गई है, लेकिन प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो सकी। सिर्फ ये कहा जाता है बड़ा सख्त एक्शन लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खाली खुली बड़कों से जनाबे डिप्टी स्पीकर काम नहीं चलेगा। लोग इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग इस गैर शफाफ प्राइवेटाइजेशन को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। आपने क्या 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 गिनवाऊं, इतने कहेंगे इतने गिन नहीं सकते, इतने इतनी जो है यू टर्न और इतनी जो है वादा खिलाफियां और इनहराफ किया आपने कॉल के उसे पिछले 2 साल के अंदर। लेजिस्लेशंस लाई जा रही हैं, मैं वजीर खारजा था, 2 दिन कुलभूषण का नाम नहीं लिया जाता था, हमारे ऊपर जो है मोदी के यार का इल्जाम लगा दिया जाता था, हमारे खिलाफ गद्दारी के फतवे दिए जाते थे। आज उस कुलभूषण को फैसिलिटेट करने के लिए यहां पे लेजिस्लेशन लाई जा रही है। जनाबे डिप्टी स्पीकर, 72 साल में इस कौम ने बड़े बड़े तमाशे देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा तमाशा कोई नहीं देखा जो आजकल पिछले 2 साल से चल रहा है। आज भी नौबत यहां पे आ गई है के वोटर सपोर्टर और स्पॉन्सर सारे कह रहे हैं आलमान और कानों को हाथ लगा रहे हैं, ये कहां पे जाकर रुकेगा? ये सिलसिला, ये दिन दहाड़ा, जनाबे कोई सोच सकता है, कोई सोच सकता है कि अपने मुल्क के एक अदारे को आप इस तरह तबाह करें जिस तरह वजीर हवाबाजी ने जो है बयान देके जो है। जनाबे वाला मैं उस मीटिंग में मौजूद था, एविएशन सेक्रेटरी जो है वो कह रहे थे कि हमारा कोई इस किस्म का सिलसिला नहीं है, सारे वेरीफाई हो गए हैं, एंड द मिनिस्टर फॉर एविएशन स्टिल इंसिस्ट्स। किसका एजेंडा परसू कर रहे हैं ये? जनाबे स्पीकर, किसका एजेंडा परसू हो रहा है? पाकिस्तानी आवाम का एजेंडा परसू नहीं हो रहा, वतन अजीज का एजेंडा परसू नहीं हो रहा, चंद अफराद का एजेंडा, चंद अफराद के मफादात के तहफ्फुज का एजेंडा जो है परसू हो रहा है। कुछ हो या ना हो, मुल्क जो है दिन ब दिन जो है वह इन्हितात की तरफ जा रहा है, जवाल की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला मुझे गलत, मेरी दुआ है कि मैं गलत साबित हूं। स्टॉक एक्सचेंज आपका कैसीनो बन गया है, जिस तरह वहां पे चंद स्टॉक ब्रोकर जो है बैठ के जो है वो एक कैसीनो पे एक रूलेट के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं, कोई बेसिस नहीं है, कोई इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बेसिस नहीं है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, हर चीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी है या हेल्थ है, सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है। किन के एंड्स के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है? वो चेहरे ना जनाबे डिप्टी स्पीकर आपसे पोशीदा है, ना मुझसे पोशीदा, ना इस ऐवान से और ना 22 करोड़ आवाम से। लोग चेहरे पहचानते हैं, शनाख्त है लोगों को, और वक्त आने पे वो शनाख्त जो है उसके उसके नतायज भी निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला नतायज निकलेंगे।
जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता इस डिबेट को। आप एक हेल्दी डिबेट के तौर पे इसको परसू करें। मैं एक दफा फिर कहूंगा, प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के जरिए किसी का अगर आपने उधार देना है तो उधार ना चुकाएं उससे, या किसी ने आपकी जेब में चार पैसे डाले हुए हैं तो आप वो पैसे जो है इस कौम के पैसे ना उससे ना उसकी जो ऑब्लिगेशन जो है वो चुकाएं। जनाब वाला वो पंजाबी में कहते हैं औखे भारे वेले लोग कम आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पलों फिर उन्होंने अदा करो ना, ए कौम के पलों तो ना अदा करो उन्होंने पैसे। अगर कोई आपके काम आया हुआ है या किसी ने आपका खर्चा उठाया हुआ है तो खुदा के लिए उसके खर्चे का इफजाना जो है इस कौम की जेब से ना दें। वो दवाइयां महंगी करके ना दें, वो गंदम महंगी करके ना दें, वो चीनी महंगी करके ना दें, उसको जाने दिया है। यहां सैकड़ों लोग हैं, जो डिफरेंट जो हथकंडे हैं हुकूमत के उनके शिकंजे में आए हुए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन चला गया। ये क्विड प्रो को है ना कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, ये क्विड प्रो को है। ये इज्तमाही खुदकुशी है जो हम इस वक्त कर रहे हैं, और जो लोग आज खामोश रहेंगे उनकी खामोशी मुजरमाना होगी। आज जो आवाज नहीं उठाएगा इस करप्शन के ऊपर, इस क्रोनीइज्म के ऊपर, जिसमें एक नई जो है वो एक्सट्रीम जो है इन्होंने निकाल लिया है कि आप प्राइवेटाइजेशन के जरिए जो है अपने बैरूनी मुल्क के जो आका है उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के जरिए। जनाबे वाला इसको प्रोसेस को शफाफ रखें, कानून मौजूद है उस कानून को फॉलो करें। ड्यूल नेशनैलिटी वाले अपने क्रोनी अपनी एटीएम जो है उनकी कमेटी ना बनाएं कि वो प्रॉपर्टी, वो खुद प्रॉपर्टी ना खरीद लें, वो खुद रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। जनाबे डिप्टी स्पीकर, आप भी मेरी तरह एक पोलिटिकल वर्कर हैं, हमने आवाम के पास जाना है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, जो भी आइन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आवाम के पास जाना है। सियासतदान जो है वो जिस तरह का भी हो वो आवाम को जवाबदेह होता है सूनर और लेटर। स्वाय मां स्वाय एक, हमारे सफों में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी वफादारियों का सौदा करते हैं, कोई मजबूरियां होती हैं लोगों की, मैं उनको इसका एडवांटेज दे देता हूं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं, मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी बरादरी से ताल्लुक रखता हूं जो हर चार पांच साल तीन साल के बाद जो है एंडोर्समेंट लेती है अपनी आवाम से। मुल्क का एक अदारा नहीं है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से अपनी एंडोर्समेंट लेता हो, जो अपनी एसीआर जो है पाकिस्तान की आवाम से लिखवाता हो। यह सिर्फ सियासतदान है, यह सिर्फ सियासतदान है। इस हाउस में बैठे हुए लोग हैं जो अपनी एसीआर जो है पाकिस्तान की आवाम से लिखवाते हैं, जो पाकिस्तान के आवाम की मोहब्बत पाकिस्तान के आवाम की अकीदत के बल बोते पे इस ऐवान में आते हैं, किसी चोर दरवाजे से नहीं आते, किसी एटीएम के जरिए नहीं आते। किसी बंद दरवाजे के पीछे बैठ के सौदाबाजी से नहीं आते, किसी अंपायर की उंगली से नहीं आते। मुझे फख्र है इस अवाम पे बैठे हुए जो 342 अरकान तो उनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान की अवाम हमारे लिए वोट देती है, हम उनको फेस करते हैं। कौन है पाकिस्तान में एक भी बता दे एक और तबका जो पाकिस्तान की अवाम को फेस करता है?
ये सियासतदान है जो फेस करते हैं। हमने 72 साल में बार बार पाकिस्तान की आवाम को फेस किया, हमसे गलतियां हुई, हमने उन गलतियों का खमियाजा भुगता, जलावतन हुए, फांसी लग गए, कत्ल हो गए, ये हमने कीमत अदा की हुई है। इस मट्टी की मोहब्बत के लिए हम अशफ्ता थरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जनाब स्पीकर, हमें सियासी वर्करों को, पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें क्या फौकियत है पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर। सियासतदान होना गाली नहीं है, सियासतदान होना इज्जतदार, इज्जतदारी है, फखर की बात है, लिजिटमेसी है, मेरे क्रीडेंशियल्स में लिजिटमेसी है। किसी और अदारे के अफराद के पास वो लिजिटमेसी नहीं है जो इस 342 अराकीन के पास लिजिटमेसी है। उस लिजिटमेसी का पास करते हुए, उस वोट की इज्जत का पास करते हुए, हमें यहां पे सेवान के अंदर उनकी नुमाइंदगी ऐसी करनी चाहिए जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। जनाबे वाला, इस स्पिरिट के साथ प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को परसू कीजिए। शुक्रिया जी। जी जनाब मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।